2, 1. मूल तोल के सभी दर्शकों को अजय केड़िया का नमस्कार। आज के दो बड़े कॉल की अगर बात करें तो पहली कमोडिटी आती है क्रूड ऑयल। कल के सेशन में हमने क्रूड के प्राइसेस में काफी बड़ी गिरावट आती हुई देखी। इनफैक्ट इंटरनेशनल में हमने WTI क्रूड ऑयल को 50 का लेवल भी तोड़ते हुए देखा। एज ऑफ नाउ टेक्निकली बीच में हमने जरूर देखा था कि ओवर सोल्ड है, बट फंडामेंटल की अगर बात करें तो फंडामेंटल अभी भी काफी ज्यादा ओवर सप्लाइड है। तो आज के लिए हमें लगता है 3500 का काफी अच्छा स्तर है, यहाँ पे क्रूड ऑयल को बेचा जा सकता है। 4540 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 3420 तक के लेवल इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो क्रूड में हमें लगता है डॉलर टर्म्स में $44 तक का लेवल देखने मिल जाएगा, और साथ में रुपए की मजबूती की वजह से डोमेस्टिक मार्केट में ये लेवल 3200 से लेकर 3250 तक जा सकता है। वहीं अगर दूसरे कॉल की बात करें तो दूसरे कॉल में हमें लगता है चेने को बेच के चलना चाहिए। जिस ढंग से हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा 4650-4700 के ऊपर चेने के प्राइसेस सस्टेन नहीं कर रहे हैं, तो टेक्निकल पे हमें लगता है कि चेने में एक गिरावट का रूप कंटिन्यू हो सकता है। तो आज के लिए चेने को 4550 के लेवल पे बेचिए, 4590 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला सपोर्ट लेवल जो रहेगा 4500 का रहेगा, इसके नीचे अगर वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो 4470 तक के लेवल चेने में देखने मिल जाएंगे। धन्यवाद।